कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के निक को देखते हैं जो कॉलेज में पढ़ता है, अपनी मॉम के साथ रहता क्योंकि उसके डैड की मौत हो गई है। साथ ही वो काफी अच्छी अच्छी पोएम्स भी लिखता है, अक्सर कुछ पोएम्स बेच भी दिया करता है। कॉलेज में उसका एक दोस्त होता है, जब वो बाथरूम में था तो कुछ लड़के आकर उसे मारने लगते हैं। जहाँ तभी उन लड़कों की हेड एक लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम एनी था। एनी हर गलत काम करती है जैसे चोरी, नशा बेचना और इस तरह के काम, ये लड़कों की तरह रहती है। यहाँ वो इसलिए आई क्योंकि उसे निक के दोस्त से पैसे लेने हैं, पर अब जब उसने पैसे मांगे तो निक का दोस्त कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए एनी के साथ ही उसे और मारने लगी। वो फिर निक के दोस्त को कहती है कि अगर मेरे पैसे तुमने ना दिए तो मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी, ये तुम सोच लेना। जब कैंटीन में आया तो यहाँ निक भी बैठा हुआ था। उसकी हालत देखकर निक समझ गया कि एनी और उसके साथियों ने इसे काफी पीटा है। वो अब एनी के पास गया जो उसी कैंटीन में बैठी हुई थी, पूछता है कि मेरे दोस्त ने कितने पैसे देने हैं तुम्हारे। जब एनी ने कोई जवाब ना दिया तो कुछ पैसे वो टेबल पर रख के पूछता है कि ये काफी है। तब हल्की सी आवाज में एनी बोलती है अपने काम से काम रख। निक को बुरा लगा इसलिए पलट कर उसने भी कहा कि तुम एक टूटी हुई बिगड़ी लड़की हो, साथ ही लूजर भी, जो कहकर वो जाने लगा। पर एनी को इतना गुस्सा आया कि वो निक पर हमला कर देती है और इस तरह इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। कुछ देर के बाद दोनों को प्रिंसिपल की ऑफिस भेज दिया गया। प्रिंसिपल एनी को आगे से ऐसा ना करने का कहकर यहाँ से भेज देते हैं, जबकि निक को कहते हैं कि ऐसी लड़कियाँ ठीक नहीं होती तो इससे दूर रहो, जिसके बाद वो भी यहाँ से चला जाता है। रात को निक के घर उसका दोस्त आया जो उसे कुछ पैसे देकर पोयम खरीदता है। फिर पूछता है कि कल रात एक पार्टी है, क्या तुम जाओगे उसमें। निक कहता है कि नहीं क्योंकि कल मैं लंदन जा रहा हूँ, वहाँ एक काफी बड़ी अकेडमी में राइटर्स की मीटिंग है। वो उसे अपने टिकट भी दिखाता है। उसके दोस्त ने पूछा क्या तुम्हारी मॉम को पता है इस बारे में। निक कहता है कि नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे जाने नहीं देंगी। अब एनी अपने एक दोस्त के पास आई जो भी उसकी तरह गलत काम करता है। ये दोनों अब एक ज्वेलरी की दुकान पर आकर रुके। वहाँ का शीशा एनी तोड़कर वो सारे ज्वेलरी चुरा लेती है। अगली सुबह जब एनी वहाँ से जाने लगी तो अपने साथ वो चोरी के लिए ज्वेलरी भी ले जाने लगती है। उसका दोस्त कहता है कि ज्वेलरी इधर ही रहने दो, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। एनी कहती है कि नहीं तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकती, ये मेरे साथ ही रहने दो, जो कहकर वो यहाँ से चली गई। इस पर उसके दोस्त को बहुत गुस्सा आया, वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। कॉलेज में आने के बाद एनी वो ज्वेलरी अपने लॉकर में रखने लगती है, पर उसे ऐसा करते हुए निक के दोस्त ने देख लिया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पुलिस आ गई। जब उन्होंने एनी के लॉकर की तलाशी ली तो उन्हें वो ज्वेलरी मिल जाती है, इसीलिए वो एनी को गिरफ्तार करके ले जाती है। पर क्योंकि वो स्टूडेंट थी तो जल्दी उसे छोड़ दिया गया। एक हफ्ते के बाद उसकी कोर्ट में पेशी है। छूटने के बाद वो अपने दोस्त को कॉल करके बताती है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। वो पूछता है तुमने कुछ बताया तो नहीं। एनी कहती है कुछ भी नहीं। फिर वो पूछता है कि कौन हो सकता है ये जिसने पुलिस को सब बताया। अब हालांकि वो खुद ही था, पर यहाँ एनी को ये लगता है कि वो निक का दोस्त है जिसने पुलिस को सारी जानकारी दी, क्योंकि नौकर के पास उसने एनी को देखा था। अब आज रात क्योंकि निक लंदन जाने के लिए निकलने वाला था, इसलिए वो अपने दोस्त को मिलकर अलविदा कहता है। फिर जब वो घर आया तो उसकी मॉम को भी पता चल गया था कि आज रात वो लंदन जाने वाला है, क्योंकि उसकी फ्लाइट लेट थी और एयरपोर्ट से जो कॉल आई थी वो निक की मॉम ने उठानी थी। पूछने पर निक बताता है मॉम वो मैं आपको बताने ही वाला था। वो कहती है झूठ मत बोलो बेटा, टिकट तुम्हारे पास कब से थी, तुम चाहती तो बता सकती थी। गलत बात है, मुझे लगता है मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ, और यहाँ से चली जाती है। निक को भी बुरा लगा इसलिए रात को वो टिकट लेकर उस पार्टी में चला जाता है जिसके बारे में उसके दोस्त ने निक को बताया था। जब उसका दोस्त पार्टी में आ रहा था तो उसे एनी और उसके साथी पकड़ लेती है, वो पीटने लगी ताकि सच उगलवा सके। वो उसे बहुत मारने लगी इसलिए वो कह देता है कि वो मैं नहीं निक है, सारी जानकारी पुलिस को उसने ही दी थी। यहाँ उसने निक का नाम इसलिए लिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो लंदन जा चुका है, पर वो तो पार्टी में था जो अपने टिकट एक लड़की को दे देता है। और अब जब वो अपने घर जाने लगा तो एनी और उसके साथी निक को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ निक का दोस्त भी उनके साथ था, वो उसे बहुत बुरा मारते हैं जिससे उसकी सांसें रुकने लगती है। हालांकि उसका दोस्त भी ऐसा करने से उन्हें मना करता है मगर वो नहीं रुकते। ये सब देखकर उसका दोस्त काफी दुखी हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि निक मर गया है। ये अब उसे एक सुनसान जगह पर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। एनी तो अपने दोस्त के पास आ गई, उसे बता देती है कि मेरे हाथों निक का खून हो गया है। उसका दोस्त कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, क्यों आई हो यहाँ। जो सुनकर हालांकि एनी को बुरा तो लगा लेकिन वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन निक बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठा हुआ था। टीचर क्लास में आकर सब बच्चों से एक सवाल पूछती है जिसका जवाब निक के अलावा किसी को भी नहीं आता था। वो खड़ा होकर जवाब देता है लेकिन हैरत उसकी आवाज टीचर और बच्चे सुन नहीं पाते। निक को भी अजीब लगा, वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। जो कहकर वो उठा जोर जोर से चिल्लाने लगा, सबके आगे हाथ हिलाने लगता है, पर कोई ना तो उसे देख और ना ही सुन पा रहा था। वो अब एक किताब जो टेबल पर पड़ी थी उसे उठाकर दूर फेंक के मारता है, लेकिन अगले पल जब उसने टेबल पर देखा तो किताब वहीं पर पड़ी हुई थी। टीचर कहती है कि निक और उसकी पोयम के बारे में तब बात करेंगी जब वो क्लास में होगा। जो सुनकर वो काफी चौंक गया, कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, मैं क्लास में ही तो हूँ, आखिर क्यों किसी को नहीं दिख रहा।
वो अब प्रिंसिपल की ऑफिस में जाकर फोन उठाता है, अपनी मॉम को कॉल करने लगता है। तभी प्रिंसिपल भी आ गई, फोन की घंटी बजने लगती है। असल में निक को ये लग रहा था कि फोन मेरे हाथ में है, पर वो तो अपनी जगह पर ही पड़ा हुआ था। और अब प्रिंसिपल जब फोन उठाते हैं तो कॉल पे निक की मॉम थी। वो उसे पूछती है क्या निक क्लास में है, जिस पर प्रिंसिपल फोन वही रख के निक को क्लास में चेक करने चले जाते हैं। और अब वो यहाँ से भागकर जाने लगता है, पर तभी एक लड़की से टकरा गया जिससे वो नीचे गिर जाती है। लेकिन अब जब उसने दोबारा देखा तो लड़की अपने रास्ते आगे बढ़ने लगी, यानी वो गिरी ही नहीं थी। वो यहाँ से भागकर सीधा अपने घर आया, जहाँ उसकी मॉम के साथ एक डिटेक्टिव होता है जो उसके कमरे की तलाशी ले रहा था ताकि यहाँ से कोई काम की चीज मिल सके। लेकिन उन्हें निक के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। इधर भी निक उन्हें नजर नहीं आ रहा था, जबकि वो सबको देख और सुन भी सकता था। अब ये डिटेक्टिव यहाँ से सीधा एनी के पास गया, क्योंकि कल ही उसके साथ निक की लड़ाई हुई थी। डिटेक्टिव उसे कहते हैं कि तुम्हें पकड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन में किसी ने कॉल की थी, क्या वो निक था? एनी बोली कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपने दोस्त के साथ ही उस वक्त, जो कहकर डिटेक्टिव यहाँ से चला जाता है। निक ने क्योंकि ये सारी बातें सुननी थी इसलिए वो एनी से पूछता है, यार तुमने बस मुझे इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि पुलिस को सारी जानकारी मैंने दी? जो कहकर वो एनी को धक्का देकर छत से नीचे गिरा देता है। पर अगले ही पल उसने देखा कि ये सिर्फ मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि एनी तो अभी भी उसके पास ही खड़ी हुई थी। जिसके बाद निक यहाँ से अपने घर आया, वो जिस कमरे में लेटा हुआ था तो उसकी मॉम आई, जो निक की डायरी से उसकी पोएम को पढ़ने लगती है, पर बीच में ही छोड़कर वो यहाँ से चली गई। तभी निक के कंधे पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है, वो उसे वहाँ से हटाकर हाथ में पकड़ लेता है। इस बात से निक को बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो हालात उसके साथ हो रहे थे उनमें से ये पहली चीज थी जिससे वो हाथ लगा सकता था। अब तभी उसकी नजर सामने पड़ी, उसने देखा कि जो चिड़िया इस वक्त मेरे हाथ में है वो तो सामने गिरी पड़ी है, जख्मी होने की वजह से तड़प रही है, क्योंकि जल्द ही मरने वाली थी। और अब अगले ही पल वो मर जाती है, जिसके साथ ही निक के हाथ से भी गायब हो जाती है। तब ये देखकर वो सारी बात समझ आता है, यानी उसे पता चल गया था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, बस मेरी आत्मा मेरे जिस्म से बाहर निकल आई है, यानी मैं जिंदगी और मौत के बीच की उस जगह पर हूँ जहाँ मेरी मौत कभी भी हो सकती है, बिल्कुल इस चिड़िया की तरह। पर अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। पुलिस को वो जगह पता चल गई थी जहाँ उस रात एनी और उसके साथियों ने निक को मारा था। पुलिस के साथ निक का दोस्त भी था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि निक का जिस्म कहाँ है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह मैं फंस जाऊंगा, जिसके बाद एनी और उसके साथी भी मुझे मारेंगे। यहाँ भागकर निक भी आया, वो डॉग और पुलिस के सामने आकर उन्हें रास्ता समझाने की कोशिश करने लगता है, यानी मैं उस तरफ हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए काफी ढूंढने के बाद भी पुलिस को उसकी बॉडी जिस्म नहीं मिलता। अब एनी अपने घर आई, उसके पीछे पीछे निक भी आ जाता है। उसने देखा कि एनी का एक छोटा भाई है जिससे वो बहुत प्यार करती है। असल में उसकी मॉम की मौत हो गई थी और बाप ने दूसरी शादी करनी थी। एनी को कभी प्यार नहीं मिला, उसका किसी ने ख्याल ही नहीं रखा, तो बगैर माँ बाप और प्यार के पलने बढ़ने पर वो गलत रास्ते पर चल पड़ी। वो अपने भाई को कहती है कि तुम मेरे जैसे कभी मत बनना। अपने भाई को उसने गले से लगा लिया, आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो खुद भी कभी ऐसी बनना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। फिर वो अपने भाई को कहती है कि अगर किस्मत ने साथ दिया, मुझे मौका मिला, तो मैं एक अच्छा काम जरूर करूंगी ताकि तुम्हें मुझ पर फख्र हो। अब एनी के उसी दोस्त के पास डिटेक्टिव आया, कहता है कि उस रात एनी ने तुम्हें जेल से कॉल की थी जब उसने ज्वेलरी चुराई, तो क्या उस रात वो तुम्हारे साथ थी? जिस पर वो किसी मुसीबत में ना फंसे इसलिए ना चाहते हुए भी उसे इस केस में आना पड़ता है। वो निक की दोस्त को अगवा करके उससे पूछता है कि बताओ तुमने निक की बॉडी को कहां रखा है, जिस पर निक का दोस्त उसे उस जगह पर ले जाता है। तब एनी का दोस्त बॉडी को वहां से कहीं और शिफ्ट करवा देता है ताकि अगर पुलिस को कोई बताना भी चाहे तो पुलिस को कभी भी बॉडी ना मिले। जिसके बाद वो एनी को मारने का प्लान बनाता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, इससे पहले वो उसकी जान लेता। एनी गन छीनकर उसी पर तान देती है। तभी यहाँ पुलिस भी आ गई, तब सही सलामत एनी यहाँ से निकलने में कामयाब रही। वो जब भाग रही थी तो निक उसे कहता है मत भागो एनी, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तब पलटकर एनी कहती है कभी नहीं, और यहाँ से भाग गई। ये सुनकर निक को काफी हैरत हुई क्योंकि एनी उसे सुन सकती थी। और अब जब वो बैठी थी तो निक उसके पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ एनी, तुम मुझे सुन सकती हो, मैं निक तुम्हारे आस पास ही हूँ क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ, बच सकता हूँ, तुम बस पुलिस को बता दो कि मेरी बॉडी कहाँ है। अपने किए पर एनी उससे माफी मांगती है, फिर उसे वहाँ ले जाने जहाँ इन्होंने निक की बॉडी को रखा था। और जाहिर है इधर वो नहीं थी, क्योंकि एनी के दोस्त ने वो कहीं और पिकवा दी थी। पर यहाँ इन्हें च्युइंगम का रैपर मिल जाता है जो निक का दोस्त खाया करता था, जिससे दोनों समझ गए कि बॉडी यहाँ से गायब होने में निक के दोस्त का भी हाथ है। इसलिए अब एनी उसके दोस्त को पकड़ लेती है, मार मार कर पूछती है कि बताओ निक कहाँ है, उसकी बॉडी वहाँ पर नहीं है जहाँ वो रखी थी। जिस पर अब एनी को सारी बात सच सच बता देता है, कहता है एनी जो तुम सोच रही हो वैसा कभी हुआ ही नहीं था, तुम उस रात मार मार कर मुझसे नाम उगलवाना चाहती थी, तब मैंने बिना सोचे निक नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो लंदन गया है, पर वो नहीं गया, इधर ही था। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसने पुलिस को सारी जानकारी दी, और नहीं मैंने पुलिस को बताया था। और हाँ, वहाँ से निक की बॉडी मैंने नहीं, तुम्हारे दोस्त ने हटाई थी, क्योंकि सारे फसाद की जड़ वो है, उसने पुलिस को कॉल करके तुम्हारे बारे में बताया था। जो सुनकर एनी काफी चौंक गई, सच जानकर हैरत तो उसे हो रही थी, साथ साथ उसे दुख भी था। और अब वो यहाँ से सीधा अपने दोस्त के पास गई, गन पॉइंट पर उसे लेकर कहती है कि मैं तुम्हारा सारा सच जान गई हूँ, और अब बताओ मुझे निक की बॉडी कहाँ है। तो अब मजबूरन उसे बताना पड़ता है, वो कहती
कहता है कि निक की बोटी डैम के पास है, जल्दी उसे वहाँ से निकालो वरना पानी उसे बहा कर ले जाएगा। और अब जब एनी वहाँ से जाने लगी तो उसका दोस्त गोली मार देता है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गई। इससे पहले कि दूसरी गोली मारकर उसकी जान ही ले लेता, एनी उसे शॉट करके नीचे फेंक देती है और यहाँ से भाग गई। वो पुलिस को कॉल करती है, कहने लगी कि अब तुम लोगों को मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, बस मेरा एक काम कर देना, मेरे कॉलेज के लॉकर में कुछ पैसे रखे हैं, वो बस मेरे छोटे भाई को दे देना। साथ ही निक जिंदा है, उसकी बॉडी डैम के पास है। उधर निक जब अपने दोस्त के पास था, देखता है कि मेरे दोस्त को शर्मिंदगी हो रही है। उसे लग रहा है कि आज अगर निक इस दुनिया में नहीं है तो ये मेरी वजह से है, इसलिए वो जहर खा लेता है। हालांकि निक ने उसे काफी मना किया पर वो उसे सुन ही नहीं सकता था। और अब जब उसकी हालत खराब होने लगी तो उसकी दोस्त की आत्मा बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे अब निक देख सकता था और वो निक को। यहाँ तभी उसकी दोस्त की मॉम डैड आई, उन्हें भी पता चल गया था कि हमारे बेटे ने जहर खा लिया है, पर उसकी हालत इतनी बुरी नहीं थी। निक डैम के पास पहुंच गया, जल्दी उसे अपनी बॉडी मिल भी जाती है और तभी डैम से भी पानी आना शुरू हो जाता है, इसलिए वो अपनी बॉडी को उठाकर ले जाने लगा। लेकिन वो खुद अपनी बॉडी को नहीं उठा सकता था, वो मदद के लिए चिल्लाता है पर कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुनता, आसपास कोई था भी नहीं। और अब तभी यहाँ डिटेक्टिव, निक की मॉम और बाकी सब भी आ जाते हैं। पुलिस ने डैम बंद करवा दिया, जैसे उसकी बॉडी मिली फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उधर एनी भी पुलिस से बचते हुए किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ उसके साथ साथ निक की आत्मा भी थी। इससे पहले एनी अंदर जाकर निक से मिल पाती, वार्ड के बाहर जहाँ निक की मॉम बैठी थी वो उसे देख लेती है। उन्हें गुस्सा तो था ही, इसलिए वो एनी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, कहने लगी कि आज निक की जो भी हालत है तुम्हारी वजह से है। निक को बुरा लगा, वो जोर से चिल्लाते हैं, मॉम ये आप क्या कर रही हैं? पर मॉम ने नहीं सुना। एनी कहती है, कोई बात नहीं निक, वो तुमसे प्यार करती है इसीलिए गुस्सा है। निक की मॉम पूछती है, ये तुम क्या कह रही हो? तो वो बता देती है कि निक यहीं पर है मेरे आसपास। निक की मॉम कहती है, मगर मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, अगर तुम सच कह रही हो तो साबित करो। तब निक एनी को कहता है कि मॉम को बताओ कि मेरे गायब होने के बाद आप मेरे कमरे में आई, आपने मेरी डायरी से जिंदगी में पहली बार मेरी पोयम पढ़ी, फिर उसे बीच में अधूरा ही छोड़कर यहाँ से चली गई क्योंकि आप वो पढ़ के जज्बाती हो गई थी। और अब एनी के जरिए निक अपनी मॉम को कहता है कि आपने डैड के गुजर जाने के बाद कितना बुरा टाइम देखा, मैं उसे कभी नहीं समझ पाया मगर अब मैं सब कुछ समझ सकता। निक की मॉम कहती है, अच्छा बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब एनी कहती है कि मैं एक बार निक से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो उसकी मदद कर सकती हूँ, उसे वापस ला सकती हूँ। इसलिए अब निक की मॉम उसे अंदर जाने की इजाजत दे देती है। निक के पास आने के बाद एनी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, वो उसे कहती है प्लीज वापस आ जाओ, फिर उसके कंधे पर सर रख के वहीं लेट गई। और अब कुछ ही पलों में निक आंखें खोलता है, यानी उसकी आत्मा बॉडी में वापस आ गई थी। निक एनी से पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? वो कहती है कि हाँ, मैं हमेशा से एक अच्छा काम करना चाहती थी, निक बोला, और आज तुमने वो कर ही दिया, मुझे वापस लाकर तुमने ही मेरी जान बचाई है। और अब निक तो बच गया था लेकिन एनी की मौत हो गई थी, क्योंकि उस बेचारी को गोली लगी थी, जख्म बहुत गहरा था, उसका इलाज भी नहीं हो पाया था। और इस तरह उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर निक की जान बचाई और अपनी बात को सही साबित कर दिया। अब निक एनी के भाई के पास गया जो प्लेन उड़ा रहा होता है। एनी का भाई कहता है कि मेरी बहन मुझे यहाँ लाया करती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो बहुत अच्छी थी, बच्चा दुखी था। तब निक उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है, चलो हम एनी को एक मैसेज भेजते हैं। हम उसे कहते हैं, हे एनी ठीक है ना? इस पर उसका भाई कहता है हाँ, और ये लिखकर उन्होंने प्लेन को हवा में उड़ा दिया। प्लेन को दोनों उड़ता हुआ देख रहे थे। ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती।